बल्लू काका खुशी से उछलते हुए खुद से कहते हैं, लगता है वो आ गया। इतना कहकर बल्लू काका अपनी नजरें गुफा पर ही गड़ा देते हैं। अच्छा लगी। वो एक टक नजर से गुफा के अंदर देखने लग जाते हैं। वो गुफा के अंदर देख ही रहा था कि तभी उसे गुफा के अंदर से एक हाथ बाहर निकलते हुए नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा हो जिसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया हो। बल्लू उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर गुफा में खड़ा आदमी इतने ज्यादा अंधेरे में खड़ा हुआ था कि बल्लू को उसका चेहरा कड़ी कोशिश के बाद भी नजर नहीं आ रहा था। बस बल्लू इतना समझ पाता है कि उस आदमी ने अपना लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाया था जैसे कि वो लेफ्टी हो। बल्लू तुरंत जड़ी बूटियों से भरा हुआ झोला उस आदमी के हाथ में थमा देता है। गुफा के अंदर से आदमी की भारी आवाज सुनाई देती है, इन जड़ी बूटियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी आराम कर लीजिए, काफी थके हुए हैं। आप इसी लाइन की सबसे आखिरी गुफा के अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। बल्लू समझ जाता है कि वो आदमी उसे गुफा के अंदर नहीं बुलाना चाहता था, इसलिए बल्लू भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और उस आदमी की बताई हुई गुफा की तरफ जाने लग जाता है। अंधेरे में खड़ा आदमी भी जड़ी बूटियों से भरा हुआ झोला लेकर गुफा के अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो आदमी गुफा के अंदर जाते जा रहा था, गुफा अंदर ही अंदर लंबी और बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुफा के अंदर नहीं बल्कि सुरंग के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा हो। कुछ देर चलने के बाद ही गुफा के अंदर पीली रोशनी बिखरने लग जाती है। वो पीली रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि गुफा के अंदर जो मशाल लगे हुए थे उनमें से आ रही थी। गुफा के अंदर एक समान दूरी पर रोशनी के लिए मशाल लगे हुए थे। वो आदमी गुफा के आखिरी छोर पर आकर रुक जाता है। गुफा के आखिरी छोर पर कई सारा सामान रखा हुआ था, ढेर सारी अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां वनस्पति रखी हुई थी। वहीं पर जड़ी बूटी से संबंधित कुछ किताबें भी रखी हुई थी, जैसे वो आदमी जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा हो। वहीं पर एक बड़ा सा चौड़ा काला समतल पत्थर भी रखा हुआ था, वैसा ही पत्थर जो काले पोशाक वाले आदमी को नजर आया था। वहां पर रखे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उसी गुफा के अंदर रहता हो। वो आदमी जमीन पर बैठ जाता है। उसके सामने ही स्टोव, कांच की शीशियां, प्लेट, चम्मच, मोमबत्ती, कई सारा सामान रखा हुआ था। वो आदमी जड़ी बूटियों से भरा हुआ झोला खोलने लग जाता है। सबसे पहले वो जड़ी बूटी के झोले में से चिरैता और कटेरी का पौधा निकालता है जिसे बल्लू काका ने सबसे आखिरी में तोड़ा था। उन्हें निकालकर वो अपने सामने रख लेता है। वो आदमी झोले के अंदर से अगली जड़ी बूटी निकालने लग जाता है। इस बार वो जो जड़ी बूटी निकालता है उस पौधे के पत्ते पूरी तरह से सूख चुके थे, जैसे बल्लू काका ने उस जड़ी बूटी को काफी पहले तोड़ा हो। वो आदमी उस जड़ी बूटी को देखते हुए खुद से कहता है, ये अडूसा है जिसे वासिका बहा का अदुलसा भी कहते हैं। इसी की सूखी हुई पत्तियों का उपयोग खांसी, बलगम, दमा और श्वास नली की सूजन को ठीक करने में किया जाता है। यही तारा को ठीक करने में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इतना कहकर वो आदमी अडूसा के सूखे हुए पौधे को भी जमीन पर रख देता है और झोले के अंदर से अगली जड़ी बूटी निकालने लग जाता है। वो आदमी झोले के अंदर से जो अगली जड़ी बूटी निकालता है उस पौधे की पत्तियां भी पूरी तरह सूखी पड़ी थी और उसे भी जड़ सहित उखाड़ा गया था। वो आदमी उस पौधे को देखते हुए खुद से कहता है, ये तिल पुष्पी है, इसका उपयोग हृदय रोग को ठीक करने में किया जाता है। ये हृदय की पेशियों को उत्तेजित करती है और उनकी गति बढ़ाता है। तिल पुष्पी कोरोनरी धमनियों में अधिक मात्रा में रक्त भेजती है। पुजारी जी ने मुझे बताया था कि तारा की रक्त के संकुचन के कारण हृदय की गति कम हो गई है, अब यही उसके उपचार में काम आएगा। वो आदमी उस जड़ी बूटी को भी जमीन पर रख देता है। वो आदमी अगली जड़ी बूटी झोले के अंदर से निकालने लग जाता है, पर इस बार वो कोई पौधा या किसी पौधे की जड़ झोले के अंदर से नहीं निकालता है बल्कि एक पीले रंग का फूल निकालता है जो सोने की तरह चमक रहा था। उसकी महक गुफा के अंदर फैलने लग गई थी। वो आदमी उस फूल की महक को सूंघते हुए कहता है, ये सोनजूही है, एक ऐसा पुष्प जिसका उपयोग मुख रोग, आंखों का रोग, दंत रोग, सिर दर्द, व्रण या घाव, विष रोग, रक्त पित्त, तृष्णा या प्यास, रक्त संबंधी रोग को ठीक करने में किया जाता है। तारा के लिए औषधि बनाने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना कहकर वो आदमी उस फूल को भी बाकी के जड़ी बूटियों के साथ ही जमीन पर रख देता है। वो आदमी झोले के अंदर से अगली जड़ी बूटी निकालने लग जाता है। इस बार फिर वो एक फूल निकालता है। इस बार वो एक सफेद रंग का बेहद आकर्षित कमल का फूल निकालता है जो अभी तक ताजा था। वो आदमी उस फूल को देखते हुए खुद से कहता है, ये ब्रह्म कमल है जिसका उपयोग घाव भरने के लिए भी किया जा सकता है। ब्रह्म कमल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो त्वचा को बैक्टीरिया से बचाते हैं। अब यही तारा के सारे घावों को भरने में मदद करेगा। वो आदमी ब्रह्म कमल को भी बाकी की जड़ी बूटियों के साथ नीचे जमीन पर ही रख देता है।
वो आदमी झोले में से अगली जड़ी बूटी निकालता है और उसे देखते हुए खुद से कहता है, ये ब्रह्म मंडुकी का पौधा है। इसके अंदर एशियाटिकोसाइड नामक तत्व होता है, जिस कारण इसका उपयोग कुष्ठ रोग में होता है। इसके पत्ते अथवा समूचा पौधा पानी समेत उबालकर इसका उपयोग किया जाता है। इससे तारा की त्वचा, बाल, नाखूनों में बढ़ोतरी होगी। वो आदमी ब्रह्म मंडुकी के पौधे को भी बाकी सब जड़ी बूटियों के साथ रख देता है। अब झोले के अंदर एक आखिरी जड़ी बूटी बची हुई थी। वो आदमी जैसे ही उस आखिरी जड़ी बूटी को झोले के अंदर से निकालता है, उसे देखकर वो कुछ घबरा सा जाता है। बाकी सब जड़ी बूटी को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी उत्साह था, पर अब उसके चेहरे पर कुछ नर्वसनेस नजर आने लग गई थी। वो आदमी उस जड़ी बूटी को देखते हुए कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, ये नर्सल है। इस जड़ी बूटी में लगभग वही गुण होते हैं जो निकोटीन में होते हैं। नर्सल में लोबेलिन नामक एल्केलाइड होता है। ये श्वास क्रिया को ठीक करता है। अत्यधिक नशीली वस्तुओं के सेवन से, एनेस्थीसिया से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से जब श्वास आनी बंद हो जाए या मंद हो जाए, तो लोबेलिन के सेवन से ही ठीक किया जाता है। वो आदमी कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, पर ये औषधि हानिकारक भी हो सकती है। अगर इस औषधि का सेवन अधिक मात्रा में हो जाए तो इसके विषैले पदार्थ अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस जड़ी बूटी को औषधि में डालकर तारा को देना सही होगा या नहीं, कहीं ये खाकर उसकी मौत ही ना हो जाए। वो आदमी कुछ और सोचते हुए कहता है, पर अगर ये जड़ी बूटी मैंने औषधि में नहीं डाली तो औषधि कभी तैयार नहीं होगी और फिर तारा भी ठीक नहीं हो पाएगी। वो आदमी जमीन पर रखी सारी जड़ी बूटियों को एकटक देखते हुए खुद से कहता है, बल्लू काका ने अपनी जान पर खेलकर 2 सालों में इन जड़ी बूटियों को जमा किया है। मैं उनकी मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मुझे रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, औषधि तैयार करनी ही पड़ेगी, और फिर औषधि तैयार करने के बाद सब कुछ महादेव के हाथ में है। नमो नीलकंठाय। इतना कहकर वो आदमी जड़ी बूटियों से औषधि बनाना शुरू कर देता है। बल्लू काका ने जो 8 जड़ी बूटियां उसे लाकर दी थी, उसमें से वो आदमी पत्ते वाली जड़ी बूटियों को हमाम दस्ते में डालकर कूटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जड़ी बूटी कूट कर बारीक हो जाती है, वो उसे एक तांबे की केटली में डाल देता है। उस तांबे की केटली के अंदर वो एक गिलास से नाप कर पानी डालने लग जाता है, जैसे वो पहले ही जानता हो कि जरा सी भी गलती से औषधि बर्बाद हो सकती है। वो आदमी उस तांबे के पात्र में लगभग 3/4 पानी भर देता है और उसके मुख पर एक बारीक जाली वाली कटोरी रख देता है। अब वो सोनजूही और ब्रह्म कमल को दूसरे हमाम दस्ते में एकदम महीन पीसता है और उस जाली वाली कटोरी के अंदर डाल देता है, और उस जाली वाली कटोरी के ऊपर भी एक ढक्कन लगा देता है। वहीं पर एक छोटी सी भट्टी लगी हुई थी, जिसमें वो माचिस से आग लगाते हुए खुद से कहता है, आयुर्वर्णा बलम स्वास्थ्य तसाहोण चयौ प्रभा ओजस्ते जो अग्नय प्राणाच श्रोक्ता देहाग्नि हेतु कह। वो आदमी एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहता है, चरक संहिता में कहा गया है, जीवन रूप रंग बल स्वास्थ्य उत्साह त्वचा की कांति संरचना प्रतिरक्षा ऊतक चयापचय अग्नि एवं जीवन शक्ति सभी उत्तम रहते हैं यदि अग्नि उत्तम है। इसलिए औषधि बनाने के लिए आग का उचित तापमान में होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो आदमी भट्टी के अंदर जलती आग के लपटों के ऊपर अपना हाथ रखता है। जब उसे एहसास होता है कि औषधि बनाने के लिए आग उत्तम है, तो वो उसी वक्त उस केटली को रख देता है। वो कुछ इस तरह आग की भट्टी के ऊपर केटली को रखता है कि केटलुनुमा बर्तन की नली का मुख एक रस्सी से तिरछे लटकी एक संग्राहक प्लेट की ओर होता है। उस संग्राहक प्लेट के नीचे ही सफेद शंख रखा हुआ था, जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। जब तक उस केतली नुमा बर्तन का पानी खोलना शुरू होता, तब तक वो आदमी बाकी की बची हुई जड़ वाली जड़ी बूटी को दरदरा कूट कर एक जग में रखे पानी में भिगो देता है। जब केतली नुमा बर्तन का पानी अच्छे से खोलने लग जाता है और साथ ही जड़ में रखा जड़ अच्छे से अपना रस जग के पानी में छोड़ देता है, तब वो आदमी केतली नुमा बर्तन की नली खोल देता है, जिससे भाप तेजी से निकलती है। वो भाप जाकर संग्राहक प्लेट से टकराती है और ठंडी होकर बूंद बूंद कर शंख में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। उसी समय वो आदमी जग को एक लकड़ी के स्टैंड से तिरछा खड़ा कर देता है, जिसके कारण जड़ के रस वाला पानी जग से बूंद बूंद कर उसी शंख में जाने लगता है, जिसमें भाप ठंडी होकर इकट्ठी हो रही थी। वो आदमी शंख के अंदर उन बूंदों को जमा होते हुए देखकर खुश होने लग जाता है। वो आदमी खुश होते हुए खुद से कहता है, अब शंख रस कुछ घंटों में ही तैयार हो जाएगा और यही वो शंख रस है जिसे पीते ही तारा की आवाज वापस आ सकती है। वो आदमी कुछ और सोचते हुए खुद से कहता है, जब तक शंख रस तैयार हो रहा है तब तक मैं वो काम निपटा लेता हूँ। वो काम निपटाना भी जरूरी है, कहीं मैं देर ना कर दूं। इतना कहकर वो आदमी गुफा में से बाहर निकलने लग जाता है। सुबह हो चुकी थी।
सुबह होने के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी थी। सूरज की रोशनी आसमान में बिखर चुकी थी और वही रोशनी धीरे धीरे महादेव मंदिर के अंदर भी बिखरनी शुरू हो गई थी। मंदिर के अंदर ही कार्तिक पुजारी, तारा और कामेश्वरी यक्षिणी मौजूद थे। इस वक्त कार्तिक पुजारी महामृत्युंजय का पाठ करते हुए शिवलिंग की आरती उतार रहे थे। वहीं पर तारा और कामेश्वरी यक्षिणी भी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तारा का ध्यान तो पूरी तरह महादेव की भक्ति में लगा हुआ दिख रहा था, पर कामेश्वरी यक्षिणी का मन कुछ विचलित लग रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी के मन में अभी भी रात में उसकी और यामिनी के बीच जो बातें हुई थी वही सब चल रही थी। वो यामिनी की उन कटाक्ष भरी बातों के बारे में सोच रही थी। उसे सोच सोच कर उसकी आंखें नम होने लग गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को देखते हुए मन में सोचती है, मैं सच कहती हूँ महादेव, कल रात में स्वार्थ के साथ यामिनी से मिलने नहीं गई थी, एक माँ के तौर पर उससे मिलने गई थी। और आपको तो सब पता है, माँ कभी स्वार्थी नहीं होती है, पर पता नहीं कैसे ताज की बात अपने आप छिड़ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए फिर खुद से बोल पड़ती है, जब मेरे परम सखा बंधु मेरे जुगनुओं ने मुझे संदेश दिया कि यामिनी घाट पर गई है, तो मैं यही सोचकर उसके पास गई थी कि उस दिन मैंने उसके साथ जो व्यवहार किया, मैं उसकी उससे माफी मांगूंगी, उसे बताऊंगी कि क्या वजह थी कि मैंने उससे उसके बारे में पूछने से पहले भी उससे ताज के बारे में पूछा। हमारे बीच में जो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उसे सुधारूंगी, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं करने कुछ गई थी, हो कुछ गया। अब तो बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि यामिनी से बात करना तो दूर, वो तो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। कामेश्वरी यक्षिणी एक उम्मीद के साथ शिवलिंग को देखते हुए खुद से कहती है, अब आप ही बताइए महादेव, मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी को मनाऊं, मैं उसे इस तरह नाराज नहीं देख सकती हूं। कामेश्वरी